देखिए एक कंपनी है हारून लिमिटेड, ये अपने प्रेफरेंस एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं अपने EOGM में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से कुछ लोग इस डिसीजन से मुतमईन नहीं है और एतराज़ है उनको, तो क्या करना चाहिए बताइए, कंपनी एक्ट क्या कहता है। तो देखिए इसमें तो तरीका ये है कि 10% अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है सिक्का में तो कुछ नहीं हो सकता, अगर 10% या से ज़्यादा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो ये जाएँ जाके 30 डेज़ के अंदर अंदर कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल कर दें और कह दें कि भाई ये ख़त्म करो। तो कोर्ट क्या करेगी, डिसीजन को सुनेगी और देखेगी अनफेयर है तो कोर्ट कैंसिल कर देगी डिसीजन को, ठीक है ना। और अगर ये अनफेयर नहीं है बिल्कुल ठीक है तो कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, वो कह देगी ठीक है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर 10% हैं या ज़्यादा हैं तो फ़ौरन जाएँ, भागें कोर्ट में, 30 दिन बहुत कम होते हैं, फ़ौरन जाएँ 30 दिन के अंदर अंदर। थैंक यू वेरी मच।